गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लेसन फिफ्थ की तरफ चलते हैं, जो फिफ्थ क्लास का लेसन है और ईवीएस का लेसन है। इसका लेसन है ईवीएस का। तो सबसे पहले हम इस लेसन के कुछ हार्ड वर्ड्स बताते हैं आपको, जैसे रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग का मतलब क्या होता है? सुकून मिलना, आराम मिलना, शांति मिलना। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? पारंपरिक, पुराने, प्राचीन समय जो चला आ रहा है वो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? रुचि। कोऑपरेशन, सहयोग की भावना, हेल्पिंग नेचर। इनहेल करना, सांस अंदर लेना। एक्सहेल करना, सांस अंदर बाहर छोड़ना, सांस बाहर छोड़ना। फ्लूट, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है? मनोरंजन। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? मनोरंजन। नेक्स्ट आपका स्पीड, स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मिक, आत्मा। नेक्स्ट आपका गोल, लक्ष्य। गोल का मतलब क्या होता है बेटा? लक्ष्य। नेक्स्ट इधर चलते हैं, पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। रिक्वायर, जरूरत। पॉजिटिव, सकारात्मक सोच, है ना। फेस्टिवल, त्योहार। नेक्स्ट आपका है ऑकेजन, उत्सव। एफर्ट, कोशिश। सेलिब्रेट, मनाना। डिक्लेयर, घोषणा करना। टैलेंट, योग्यता। और लास्ट है गवर्नमेंट, यानी सरकार। ये 20 के करीब वर्ड मीनिंग है। और चलिए अब हम इस लेसन को रीड करेंगे। ओके, लेसन का नाम है लेट्स प्ले टू गेम, यानी आओ अब हम आज हम क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। ठीक है, इस लेसन में हम गेम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह गेम होते हैं और कैसे गेम होते हैं। गेम का मतलब जानते हो? गेम का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपको फन करवाती है, जो मतलब आपकी फिजिकल भी एक्सरसाइज होती है, मेंटली भी एक्सरसाइज होती है ना। उसे हम क्या कहते हैं? गेम। ये आपके गेम की डेफिनेशन है। गेम खेलने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? गेम खेलने से एक तो आपका माइंड में जो माइंड होता है वो रिलैक्स होता है। एक आपकी अगर फिजिकल एक्टिव बन जाते हो आप, जैसे कोई लोग डल होता है, बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं चाहते, कुछ खेलना नहीं चाहते, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, उनके लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेंटली जो रिलैक्स होता है वो भी आपको किससे मिलता है? गेम से मिलता है। किससे मिलता है? गेम से। कोई बच्चा बहुत देर पढ़ रहा हो लेकिन अचानक थोड़ी देर खेल के आता है तो उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और आगे की पढ़ाई बड़े ध्यान से करता है। इस तरह से गेम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गेम, गेम का मतलब क्या होता है मैंने बताया आपको। गेम दो प्रकार के होते हैं, एक तो आउटडोर गेम और एक इंडोर गेम। इंडोर गेम मतलब क्या होता है? जो आप घर में बैठ के खेल सकते हो, है ना। जैसे फुटबॉल आप घर में बैठ के खेल सकते हो या नहीं खेल सकते हो, क्रिकेट घर में बैठ के खेल सकते हो नहीं खेल सकते हो। ठीक है, अब घर में बैठे बैठे कौन से खेल खेल सकते हो आप? जैसे कि आपको आ गया ये चौपड़ आ गई, ठीक है, सिंह बार आ गया, अस्था चंगा आ गया, ठीक है, जैसे कैरम आ गया, लूडो आ गया, वीडियो गेम आ गया, चैकर्स आ गए, ये सब आप क्या करते हो? घर में बैठ के खेल सकते हो। तो ऐसे गेम जो आप घर में बैठ के, घर के अंदर बैठ के खेल सकते हो, उन्हें हम कहते हैं इंडोर गेम। क्या कहते हो बेटा? इंडोर गेम। इसी प्रकार से आउटडोर गेम, आउटडोर गेम मतलब क्या होता है? जो आप बाहर खेल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था प्रीवियस, उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, ठीक है, आर्चरी, ये सारे गेम होते हैं जो कि बाहर खेलने के होते हैं, उन्हें हम कहेंगे आउटडोर गेम। जो आप घर में खेल सकते हो इंडोर गेम। इंडोर का मतलब अंदर, गेम मतलब खेल, ऐसे खेल जो आप घर के अंदर खेल सकते हो उन्हें कहेंगे इंडोर गेम, और जो गेम आप बाहर खेलते हो उन्हें हम कहेंगे आउटडोर गेम। अब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आसपास के दो दो इंडोर और दो दो आउटडोर गेम का नाम लिखेंगे। समझ में आया आपको? अब इंडोर आउटडोर गया। अब गेम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, और भी इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? ट्रेडिशनल गेम और मॉडर्न गेम। ट्रेडिशनल गेम और मॉडर्न गेम। ट्रेडिशनल गेम कौन से होते हैं? ऐसे गेम
जो प्राचीन समय से, बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे ट्रेडिशनल गेम। और मॉडर्न गेम कौन से होते हैं, जो आने वाले समय में हम पिछले कुछ सालों से खेलते आ रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे मॉडर्न गेम। ट्रेडिशनल गेम हम इंडोर में बताते हैं। इंडोर में ट्रेडिशनल गेम कौन कौन से होते हैं, इंडोर में ट्रेडिशनल गेम होता है ये घर भर है ना, चौपर, सिंह बाकरी और अष्टाचंगा। अष्टाचंगा तो आप अभी खेलते हो, जिसका दूसरा रूप लूडो है ना, खेलते हो ना। कैसे खेलते हो, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर में बनाते हो, ठीक है, उसमें चार जगह क्रॉस का साइन लगाते हो और कितने लाइन खींचते हो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 लाइन खींचते हो, 6 लाइन खींचते हो ना। तो पहले हॉरिजॉन्टल 6 लाइन, फिर वर्टिकल 6 लाइन, ठीक है, और उसके बीच में क्रॉस होता है और क्रॉस के जस्ट ऊपर क्रॉस होता है, क्रॉस के जस्ट ऊपर चार जगह उसमें क्रॉस के साइन होते हैं, जहाँ से आप किसी गोटी को खा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे चंग अस्था, जो आप कौड़ियों से खेलते हो, कौड़ियों से गेम खेलते ना क्रॉस बनाकर, उसे हम कहेंगे अस्था चंगा। इसके अलावा सिंह बाकी जानते हो आप, अंताक्षरी, चौपड़ जानते हो, जानते हो जिसमें क्या क्या होते हैं, जिसको शतरंज भी कहते हैं हम, है ना, शतरंज खेलते ना, ऐसे चौपड़ भी खेलते हैं। उसके बाद अगर आया आपका चरघर, ठीक है। इसी तरह से ट्रेडिशनल हम आउटडोर गेम खेलना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन से गेम खेलते थे, पहले देखो गिल्ली डंडा खेलते थे, आज कोई खेलता गिल्ली डंडा, बहुत कम लोगों को पसंद है। प्राचीन समय में गिल्ली डंडा खेलते थे, गिल्ली डंडा जानते हो, एक डिच होता है जो जमीन के अंदर होता है और उसमें एक स्टिक लगा देते हैं, ठीक है, और अनदर स्टिक से उसको पुशअप करते हैं, वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, और जो दूसरा प्लेयर होता है वो उसको होल्ड करता है और इस तरह से उसको वापस कैच करता है, इस तरह कहेंगे हम गिल्ली डंडा। इसके अलावा सितोलिया गेम देखा आपने, कि आठ आपके जो सात होते हैं, सितोलिया मतलब सात आपकी स्लाइड्स होती है ना, कौन सा स्टोन स्लाइड होती है, सात प्रकार की, जो कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू साइज होती है, जैसे एक बड़ी, फिर से छोटी, ये सात स्लाइड्स होते हैं, स्लैब्स होती है जो कि स्टोन की होती है, वो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है। इसमें दो टीम होती है, एक टीम तो वो होती है जो कि सितोलिया को थ्रो करती है बॉल से और सितोलिया गिराने होते हैं उनको, और अनदर टीम वो होती है जो कि बॉल को पकड़ती है और फ्रंट वाली टीम पर वो उसको क्या करती है, मारती है, और वो जो सातों सितोलिया गिर गए होते हैं उनको वापस टीम को उसको जमाना होता है। यदि जमाने से पहले ही टीम का कोई मेंबर कैच हो जाता है या टच हो जाता है तो टीम क्या होती है, वो मेंबर आउट हो जाता है। तो इस तरह के सितोलिया में सात क्या होती है, स्टोन की स्लैब्स होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मारदड़ी को जानते हो आप, एक कपड़े की बॉल होती है, ठीक है ना, और एक टीम का एक मेंबर अनदर टीम के किसी मेंबर को वो उससे मार सकता है, जिसको वो छू जाती है वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है पकड़म पकड़ाई, ये तो बहुत खेलते हो, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, ये सारे क्या बेटा इंडोर गेम है, जो कि क्या है ट्रेडिशनल, कौन से बेटा ट्रेडिशनल, सॉरी हाँ ये आउटडोर गेम है, ट्रेडिशनल आउटडोर गेम है। इधर मॉडर्न गेम में देखता क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो है ना, आर्चरी, इस तरह के गेम को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न गेम कहते हैं। समझ में आया आपको, आर्चरी को हम ट्रेडिशनल गेम में ले सकते हैं, क्योंकि जब महाभारत हुई थी तो उस समय
अर्जुन ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता था, यानी आर्चरी उस समय भी थी। कब थी? प्राचीन समय में, ठीक है ना। लेकिन इस समय भी हमने इसको इंक्लूड किया है। इस प्रकार से ये गेम होता है। गेम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको दो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसके आगे हम चलते हैं, और अब हमें इसको रीड करने की आवश्यकता है। फिजिकल गेम इज बोथ रिलैक्स एंड वेल एज चैलेंजिंग एक्टिविटी। यानी फिजिकल गेम खेलने से हमारे क्या होते हैं, एक रिलैक्स मिलता है और एक चैलेंज की चैलेंज की क्या होती है, कैपेसिटी बढ़ाती है, चैलेंजिंग एक्टिविटी बनाती है। इससे हमें चैलेंज करने की आदत हो जाती है। मैनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यानी हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के गेम खेले जाते हैं, जहाँ राजस्थान में भी कई प्रकार के गेम खेले जाते हैं। दे आर सम ट्रेडिशनल गेम विच कैन बी प्ले इजिली विदाउट मच एड्स। लाइक कुछ ऐसे गेम होते हैं जो कि बहुत ईजिली आप खेल सकते हो, घर बैठे खेल सकते हो, उसमें फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि दड़ी मार सितोलिया, फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है, सॉरी, दड़ी मार सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई। अनदर गेम लाइक घर भर, चौपड़, सिंह बाकड़ी, अष्टाचंगा, ये सारे गेम क्या है, इंडोर गेम है, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। इसके बाद है विच आर फुल ऑफ फन एंड कैन अस प्लेड इजीली, वेरी इजीली इन डिफरेंट रीजंस। अब जो सारे गेम हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खेले जाते हैं, खेले सभी क्षेत्रों में जाते हैं, सभी जगह खेले जाते हैं, लेकिन फेमस वो उन गेम के लिए होते हैं। जैसे कि अपन हम देखते हैं मकर संक्रांति पर सितोलिया खेला जाता है, कहाँ खेला जाता है, मेवाड़ में। उदयपुर चले जाइए इधर, है ना, और चित्तौड़गढ़ चले जाइए, यहाँ पर संक्रांति के दिन क्या खेले जाते हैं, सितोलिया खेले जाते हैं। हम तो काइट फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर सितोलिया का गेम खेला जाता है, जो कि फेमस होता है। काइट फ्लाइंग इन द वैगड मेवाड़ एंड ढूंढ में भी काइट फ्लाई की जाती है। इसी प्रकार से आर्चरी है, कबड्डी, बिलियर्ड्स, चेस, हॉकी, टेबल टेनिस, ये सारे क्या है आपके डिफरेंट टाइप के गेम है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। इसके अलावा और भी एक्टिविटी की जाती है, जैसे कि आप देखना चाहते हो कि प्राणायाम है, योगा है, एक्सरसाइज है, इसके द्वारा भी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। गेम खेलने से एक तो लोगों में टीम की कैपेसिटी होती है, टीम बनाने की कैपेसिटी जाती है, और लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसके अलावा लोग आपस में मिलते हैं और उनकी जो भावना होती है, उनकी जो फीलिंग होती है, उनके शेयर जो भी होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो आराम से शेयर होते हैं, और लोगों में गेट टुगेदर की हैबिट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा लोग दूरदर्शन पर मैच देखते हैं, टीवी पर मैच देखते हैं, टीवी पर मूवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया मॉडर्न में, ठीक है। योगा खेलते हैं, और सॉरी योगा खेलते नहीं करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इस तरह से मेडिटेशन की जाती है अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए और अपनी हेल्थ को बनाने के लिए, ठीक है ना। अब योग कौन करते हैं, जो ऋषि मुनि होती है, ऋषि मुनि होते हैं, वो अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हैं, योगा करके, प्राणायाम करके, एक्सरसाइज करके, है ना,
क्रिकेट तो नहीं खेलते, सन्यासी क्रिकेट खेलते हैं कभी? नहीं खेलते है ना। और वो कैसे अपने आपको हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं? वो योगा करते हैं, 2-2 घंटे तक योगा करते हैं ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, जिससे उनको मेंटल रिलैक्स मिलता है। स्वामी विवेकानंद सैड फर्स्ट यू शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना ये था कि सबसे पहले व्यक्ति को स्ट्रांग बनना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए। अलोंग विद एंटरटेनमेंट, गेम्स एंड योगा कीप आवर बॉडी इन द शेप एंड मेक इट स्प्लेंडर, हेल्दी एंड ब्यूटिफुल। हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे वेदर वेदर वी कैन प्ले विदर वेदर वी कैन डू योगा वेदर वी कैन डू प्राणायाम, लेकिन इससे क्या होता है, हमारी जो हेल्थ होती है वो ब्यूटीफुल अच्छी बनी रहती है और हम ब्यूटीफुल बने रहते हैं। ऐसा भी वैसा विवेकानंद जी द्वारा भी माना जाता है। सॉरी, ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेक ऑफ द पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज डू योगा। हाँ, हमारे देश में तो 61 ओ सॉरी 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 हाँ 21 जून को एवरी ईयर हम भी योगा सेलिब्रेशन कर योगा डे सेलिब्रेशन करते हैं, योगा डे मनाते हैं। मनाते हो ना आप लोग भी, जब क्लासेस में योगा सॉरी स्कूल्स में योगा की जा कराई जाती है ना। और इसको नेशनल लेवल पर योगा को डिक्लेयर किया गया है, किसके रूप में, योग दिवस के रूप में। पूरे कंट्री के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। यदि आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कोल्ड होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, प्राणायाम। प्राणायाम जानते हो आप, एक्सहेल करना, इनहेल करना प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है। ब्रीथिंग इज एसेंशियल स्टे इन लाइफ। यदि आपको जीना है तो आपको अपनी ब्रीदिंग जो है वो हेल्दी रखनी पड़ेगी। इट इज प्रोसेस बाय द विच वी कैन मेक टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट प्रॉपरली। यदि हमें हेल्दी बने रहना है तो हमें सांस लेने की कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए और सांस छोड़ने की कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि अभी कोरोना वायरस फैल रहा हुआ है, तो आप देखते हो कि जिनका भी टेस्ट कराया जाता है तो उनसे इनहेल और एक्सहेल एक्सहेल प्रॉपर तरीके से कराया जाता है, ठीक है। यदि उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो उनको फिर सस्पेक्टेड रखा जाता है, ठीक है। तो आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम प्रॉपर होनी चाहिए एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनहेल इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। ये आपने क्या किया, इनहेल किया। अब एक्सहेल कैसे करें, सांस को छोड़ना, यानी सांस को अंदर लेना इनहेल कहा जाता है और सांस को बाहर छोड़ना एक्सहेल कहा जाता है। तो ऐसे एक्सरसाइज को करना भी हम क्या कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। प्राणायाम बहुत प्रकार के होते हैं, कम से कम 5 प्राणायाम होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे होते हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी आपको, लेकिन फिर भी चलिए छोड़िए। भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इस तरह के प्राणायाम किए जाते हैं। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, कपालभाति ब्रीथिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी होती है, बेस्ट प्राणायाम होता है, और इससे आपके माइंड को और ब्रीथिंग दोनों रिलैक्स मिलता है। यदि आप प्राणायाम करेंगे तो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स मिलेगा और आपकी सांस की प्रॉब्लम भी दूर होगी, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को घर में कम से कम
15 मिनट तक प्राणायाम करना चाहिए। इसके अलावा अब हम देखते हैं आगे, एक बहुत अच्छा सा स्लोगन है, गेम्स गिव अस एनर्जी। गेम आपको एनर्जी देता है, दे गिव अस हेल्दी, वो हमें हेल्दी बनाए रखते हैं, दे टीच अस स्किल, वो हमारे स्किल को बढ़ाते हैं, और गेम डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, गेम ऐसे होते हैं जो हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। दे हेल्प इन डेवलपिंग ब्रदरहुड, वो तो भाईचारे को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट होता बेटा। और कुछ योगा के नाम मैं बताना चाहती हूँ, जैसे ताड़ासन है, पद्मासन है, हाँ ये आसन है, सूर्य नमस्कार। यदि आप लोग 10 सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो आप में भरपूर एनर्जी आ जाएगी। सूर्य नमस्कार के स्टेप्स बेटा, फर्स्ट में आपको हाथ जोड़ना है, सेकंड में अपने दोनों हाथों पीछे झुकना है और पीछे की तरफ ले जाना है, थर्ड स्टेप में बिल्कुल नीचे आना है और बगैर नी बैंड किए हुए अपने पैरों को और हाथों को टच करने की कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ में आपको एक पैर आगे लेना है और फिफ्थ में आपको दोनों पैर पीछे लेने हैं। इसी प्रकार से टोटल 12 स्टेप्स सूर्य नमस्कार में पाए जाते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे और बुक में आपको सूर्य नमस्कार बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, दिखाया गया है, आप इसी से स्टेप को फॉलो करते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसकी एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, और आपको व्हाट्सएप पे सेंड करते हुए टाइम टाइम पे आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आपको जब भी स्कूल खुलेंगे तो याद करने में, एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बेटा, थैंक यू।